आज मैं आपको भीन का जोड़ बताती हूँ। भीन का जोड़ कैसे बनाते हैं? भीन का जोड़ जो होता है इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द सम, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? फाइंड द सम, इसको लिखते हैं हिंदी में भीन, भीन का जोड़। भीन का जोड़ जो होता है ये जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, बच्चों को ये चीज जल्दी समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसको समझना कि भीन का जोड़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे 4/2 प्लस 3/2, अभी मैं इजी वाला आपको बता रही हूँ। अब देखो 2 और 2 अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकलता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 और 2 का एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम छोटे नंबर से यूज करते हैं, तो 1 का नहीं चलता, छोटा नंबर स्टार्ट होता है 2 से, हम 2 से देखते हैं कि 2 के टेबल में ये नंबर आता है या नहीं। 2 के टेबल में 2 आता है कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये एलसीएम क्या हो गया, आया 2। 2 और 2 का एलसीएम क्या आया, 2। उसके बाद ये 2 को और नीचे का जो नंबर दिया हुआ था इसमें और इसमें डिवाइड होता है, देखो डिवाइड, इसमें भी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में क्या होता है, टेबल पढ़ा जाता है, तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आया। अब ये जो 1 जो है ऊपर वाले नंबर के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये साइन डालते हैं प्लस का, फिर आ जाओ, फिर 2 और 2 को में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 और 2 में डिवाइड किए क्या आया, 1। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये देखो लाइन किस लिए, अब ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो 4 1 जा 4, ये साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ डाल दिए प्लस, अभी यहाँ 1 का, तो 3 × 1, तो 3 1 जा 3 इक्वल में क्या आ जाएगा, 4 और 3 को हम प्लस करते हैं, 4 और 3 7 और ये अपॉन में 2। अगर 2 से ये नंबर कटेगा तो ये काटते भी हैं, अगर नहीं कटा तो इसको ऐसे ही लिख दिया और ये हो गया आपका आंसर। भीन का जोड़ को ऐसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।